और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को रोका है। जी हां, ये बौखलाहट, ये झल्लाहट अनुच्छेद 370 हटाने के बाद, देखिए जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद हटाने के बाद किस तरह से अब बौखलाहट पाकिस्तान की देखने को सामने आ रही है। पहले एयर स्पेस कुछ कम करने की बात, उसके बाद भारत से द्विपक्षीय जो व्यापार होता है उसको खत्म करने की बात, और अब जो खबर सामने आई है पाकिस्तान में रोकी गई है समझौता एक्सप्रेस। पाकिस्तान मीडिया के हवाले से यह खबर आई है जिसमें समझौता एक्सप्रेस को रोके जाने की जानकारी दी गई है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर है जिसमें समझौता एक्सप्रेस रोकी गई है। अटारी से लाहौर जाती है ये एक्सप्रेस, जिसमें कि दोनों ही देशों के यात्री एक देश से दूसरे देश जाते हैं। और इस बीच जो है आपको हम बता दें कि ये सब कुछ हो रहा है कश्मीर में धारा 370 हटने से, जब पाकिस्तान किस तरह से बौखलाया है उसकी वजह से। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, आपके पास क्या कुछ जानकारी, ये बौखलाहट और खींच ही है? भारतीय अधिकारियों को अभी इस बारे में कोई भी सूचना नहीं मिली है। हालांकि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय चैनल है पीटीवी, उसके हवाले से एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में ये कहा गया है कि समझौता एक्सप्रेस को पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो समझौता एक्सप्रेस भारत से आती है वो अब नहीं आएगी। और इसके बारे में जो अटारी बॉर्डर पे जितनी भी अथॉरिटीज हैं उन्हें इसकी कोई भी आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं दी गई है। और पीटीवी का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत जाने वाली समझौता एक्सप्रेस को सस्पेंड कर दिया है, फिलहाल जो है आधिकारिक सूचना का इंतजार किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।